भगवान का ध्यान करो, भगवान को वंदन करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान आपको शक्ति देंगे। जिसको भगवान की शक्ति मिली है उसकी कभी हार नहीं होती है, हार उसी की होती है जो अपनी बुद्धि में विश्वास रखता है और भगवान को भूल जाता है। कोई भी काम करो तो भगवान की शक्ति प्राप्त करो। भगवान की शक्ति प्राप्त करने का सरल उपाय यही है, भगवान के नाम का प्रेम से जप करो, मन से भगवान का स्मरण करो, ध्यान करो। मंगलाचरण में मंगलमय परमात्मा का ध्यान करने की आज्ञा दी है। वेदों में भी मंगलाचरण आता है। उपनिषद के आरंभ में शांति पाठ करते हैं, सन्नो मित्रस्यं वरुणः, सन्नो भवत्परियमा, सन्न इंद्रो बृहस्पति, सन्नो विष्णुर्लोक्रमः। कहीं कहीं अपने शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन मिलता है, कोई बहुत भक्ति करता हो तो उसके भक्ति में स्वर्ग के देवलोक भी विघ्न करते, पाप भी विघ्न करता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी देव भी विघ्न करते हैं, देवों को ऐसा विचार आता है ये बहुत भक्ति करेगा तो हमसे भी बड़ा हो जाएगा, हमसे श्रेष्ठ होगा, इसलिए देवलोक भी कभी कभी भक्ति में विघ्न करते हैं। इसलिए शांति पाठ किया जाता है, सभी देवों को मैं वंदन करता हूं, मेरे ज्ञान में भक्ति में विघ्न न करे, विक्षेप न होवे, मेरा ज्ञान कायम स्थिर रहे। मैं सभी को वंदन करता हूं, सभी को मैं मान देता हूं। मंगलाचरण करने की आज्ञा है। कथा के आरंभ में व्यास महर्षि का मंगलाचरण हुआ है, दूसरे श्लोक में भागवत की थोड़ी प्रस्तावना की है। धर्म प्रोज्जित